अरे जी, मिस शानदाना गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं और ये मिली हैं शहबाज गिल से जेल में जाकर। ये वही शहबाज गिल हैं जिनके ऊपर शदीद और बदतरीन तशद्दुद किया गया। अस्सलाम वालेकुम। आप मिली हैं गिल साहब से? जी बिल्कुल, मैं और अयूब साहब मिलने गए थे। हमारे हर रोज तो एमएनएम उनसे मिलने जाते हैं, उनकी खबर खैर आफियत है। अच्छा, नहीं मुझे ये बताएं कि आपने बताएं कि सबसे पहले जो पहली रात थी उनकी, क्या बताया उन्होंने कि जेल के अंदर किस तरह से तशद्दुद किया गया? उन्होंने बताया कि जब उनको उठाया गया तो उनके आंखों पे पट्टी थी, उनको नहीं पता था कि वो किधर हैं। लेकिन पहले 6-7 घंटे उन पे दुश्मनी तशद्दुद किया गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, साइलेंस। और आधे घंटे का ब्रेक होता था, फिर जिस्मानी तशद्दुद शुरू होती थी, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर जिस्मानी तशद्दुद। तो कहते वो तो, और मुझसे किसी ने बोला नहीं, सवाल नहीं किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कौन है। कहते तो उसके बाद मुझे लॉकअप ले गए। लॉकअप में भी पहली रात तशद्दुद हुआ। अगले दिन से नहीं, तशद्दुद करने वाले कौन लोग थे उनको नहीं पता। और रात के किस पहर आते थे? कुछ नहीं पता उनको, उन्हें टाइम का भी कोई नहीं पता। दो घंटे घुमाते थे, मुझे पता नहीं गाड़ी पर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं होता था कि मैं कहाँ हूँ, किधर चला गया। और मुझे कहते थे कि अब तुम्हारी दोबारा पिटाई होने वाली। तो साइकोलॉजिकल तशद्दुद भी करते थे। फिर उन्होंने बहुत ख्याल किया कि मेरे फेस पे ना मारे और सर पे के निशान ना रह जाए, बट बाकी बॉडी पे तो निशान है। जज को भी उन्होंने दिखाए। फिर उसके बाद कहते मेंटल टॉर्चर स्टार्ट हो गया, सोने ना देना, लाइटें ऑन करना, शोर करना। मैं जब सोने लगता था 72 घंटे तक ना सोने दें, मुझसे आके बातें करें और मुझसे कहें कि जो उन्होंने पहले से कहा है ना कि बताओ कि खान क्या खाता है, खान किससे मिलता है, इस तरह की बातें। और मुझे यहाँ तक आ गया जी। कि अगर आप इस कागज पर दस्तखत कर दें कि खान खुदा न खास्ता अफवाज के खिलाफ है या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, तो हम आपको छोड़ देंगे, आप अमेरिका चले जाएं, जो करना है करें, रिलैक्स करें। चलें, वो तो एक सियासी बात है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से उनकी शेव की गई, मूछें छोड़ी गई और दाढ़ी बाल, आपने इस हवाले से पूछा, चुकी ये उनका लुक नहीं है? उनको खुद नहीं पता था कि क्या हुआ, तो हमें पता है क्योंकि हमने टीवी पे देखा कि शहबाज साहब बैठे हुए हैं बेड में, चाय पी रहे हैं, डॉक्टर से मिले, अपनी फाइल देख रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा भी खतरनाक एक वीडियो चलाई गई जिसमें शहबाज गिल साहब अपने बच्चों से गले मिलकर रो रहे थे। शहबाज गिल साहब की थी वो, उनकी थी, तो वो तो कहते मेरे तो बच्चे ही नहीं है, तो मैं अपने बच्चों से गले मिलकर कैसे रोया और कब रोया उनसे गले मिलकर, मेरे तो बच्चे ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक बीवी। अच्छा ठीक है, उनकी उन्हें इस बारे में जो खबरें चली हैं वो ये कि 12 बंदों ने पकड़ा और उसके बाद उनकी शेव की और मूछें छोड़ दी, इस हवाले से कुछ काम जो एक्टर आया था ना जियो टीवी का, वो तो आ गया ट्विटर पे, वो उनकी एक्टिंग कर रहा था। तो उस एक्टिंग को पक्का करने के लिए, मतलब अल्लाह तौबा, ये कैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो शहबाज गिल नहीं है, उसकी हाइट डिफरेंट है, उसका चेहरा डिफरेंट है, उसकी बॉडी डिफरेंट है, तो ये कौन गेम्स खेल रहा है। देखिए ना, हमने कुलभूषण यादव के साथ ये किया और ना अभिनंदन के साथ। अच्छा एक और चीज मिस शानदाना, हमने देखी है जब जेल से या कोर्ट से पिम्स अस्पताल ले जाया गया, बीच में 4-5 घंटे शहबाज गिल साहब गायब थे, वो बीच का टाइम किधर था और उस दौरान क्या हुआ? उनको नहीं पता, वो तो कह रहे थे कि उनकी आंखों में पट्टी होती थी, कभी पता नहीं था वो कहाँ पे है। और इस दौरान कोई घड़ी, फोन कॉल, टाइम या किसी के साथ कन्वर्सेशन नहीं, किसी के साथ भी नहीं, इजाजत भी नहीं होती थी। अलबत्ता कहते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में थे तो उनको डॉक्टर्स आते थे, उनको जबरदस्ती दिन में 10-12 दफा खून लिया जाता था ताकि उनको तकलीफ हो, उस तरह की टॉर्चर कंटिन्यू रही, उनको बार बार ब्रूजेस दिए जाते थे ताकि उनको सुकून ना हो हॉस्पिटल में। अच्छा, और वो खून उस वो टेस्ट करते थे, क्या करते? पता नहीं, हमें पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, और अब वो जुडिशियल है हड़ियाला जेल के अंदर मौजूद है, अब क्या पोजीशन है, अब ठीक है? देखिए, आपने बोला कि सियासी बात है, इसमें कोई भी सियासी बात नहीं है, सारी टॉर्चर की बात है। अच्छा एक और चीज, वो कह रहे थे कि उनके अंदर जेल के अंदर दो कमांडोज बिठाए दिए गए थे, एक एक जो उन्हें सोने नहीं देते, इसमें हकीकत है कोई? लॉकअप में आपका मतलब है? वो जेल में अब है, पहले वो लॉकअप में। देखिए मैं तो जितना मिली उनसे मुश्किल से 15 मिनट से बात हुई, सारी मैंने आपको बता दी। अभी वो अडियाला में है और वो कह रहे हैं कि कतरे हालात बेहतर हो गए, राइट फ्रेम ऑफ माइंड में? मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। यानी आप बात पूछते हैं जवाब उसी सेंस में देते हैं या नहीं? मुझे लगता है वो स्पेस्ड आउट हो गए, आप जब इतने तशद्दुद का निशाना बनते हैं 15-19 दिन मुसलसल, तो असर तो होगा ना आपको। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।